इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में हादसे के बाद नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही की है। नगर निगम की टीम ने सोमवार सुबह यहां के अवैध निर्माण को तोड़ दिया। बावड़ी के साथ मंदिर को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया है। मंदिर तोड़े जाने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रामनवमी के दिन मंदिर के पास बावड़ी की छत ढहने से 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 लोग घायल हुए थे। बावड़ी पर पहले से बने मंदिर पर तो बुलडोजर चला ही, नए निर्माण को भी गिरा दिया गया, बावड़ी को भी भर दिया गया है। यह कार्यवाही पटेल स्नेह नगर गार्डन जहां हादसा हुआ था वहां हुई, दूसरी कार्यवाही ढक्कन वाला कुआ, तीसरी कार्यवाही सुखलिया और चौथी कार्यवाही गाडरा खेड़ी में की गई है। 5 पोकलेन और 4 थानों के पुलिस बल के साथ यह कार्यवाही की गई। बैलेश्वर महादेव मंदिर में हुई 36 मौतों से इंदौर शहर अभी तक मातम में है। जहां से यह घटना हुई है तभी से शासन व प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। इंदौर नगर निगम आज बलेश्वर मंदिर के अवैध निर्माण पर सुबह 6 बजे से प्रशासन की कार्यवाही की गई। मंदिर तोड़ने के विरोध में बजरंग दल व कुछ हिंदू संगठन थे। विरोध की वजह से भारी पुलिस बल के साथ कार्यवाही की गई। इस दौरान निगम रिमूवल अधिकारी लता अग्रवाल, अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेड़ेकर व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।